XRD बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये भिड़ चुकी है थार के साथ। मेरे को लगा था ये थार इसको एक सेकंड में उठा के फेंक देगी, पर XRD ने छक्के छुड़ा के रख दिया है थार के ही। देखो इसको पीछे ढकेलने का चांस ही नहीं दे रही है यहाँ पे, और उल्टा थार को ये गोल गोल घुमाए जा रही है। यहाँ पे आर्मा फायर टीम अपना हैंड ब्रेक लगा के भी इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर ये क्या हो गया गाइस? अरे भाई यहाँ पे देखो यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हेलो गाइस, आज होगा एकदम धमाका। ये ट्रक के अंदर काफी बड़ी बड़ी कार्स मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ, इतना ज्यादा मजा आएगा कि यार ऐसी वीडियो आपने शायद ही कभी देखी होगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो इतनी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है कि गाइस शायद इस तरह की वीडियो आपने कभी देखी होगी। यहाँ पे देखो गाइस, बड़े से ट्रक के अंदर मैं इतनी ढेर सारी कार्स आज लेके आ चुका हूँ फाइट कराने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि ये जो बड़ी वाली थार है इसकी फाइट कराने के लिए XMAX के साथ XRT के साथ आज धमाका होगा। गाइस इतनी बड़ी है कि इसके लिए ये बड़ा सा ट्रक लेके आना पड़ता है यार, इसको कहीं पे भी लेके जाने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी कार्स की फाइट मैं पहली बार कराने वाला हूँ। चलो गाइस फटाफट से इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये है XRT RC कार, तो ये है अपनी आर्मा फायर टीम RC कार, और गाइस ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट XMAX। देखते हैं आज XMAX XRD को हरा पाती है या नहीं। गाइस ये तो आपको पता होगा, मैं इसके अंदर बैठ के भी आज चलाने वाला हूँ। देखो ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि मैं इसके अंदर बैठूंगा तब भी ये नहीं टूटेगी। उतर जाता हूँ, अब निकाल लेते हैं इसको भी बाहर। ये काफी ज्यादा मजबूत थार है यार, इसको उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी यार। ओके थार भी आ चुकी है बाहर। इसको स्टार्ट करते ही इसकी आवाज सुनो एक बार। ओह माय गॉड, रियल कार जैसी आवाज दी गई है इसके अंदर। तो गाइस अब इसके अंदर मैं बैठ के भी एक बार आपको चला के बता देता हूँ। देखो आराम से ये मेरा वेट लेके जा सकती है। यहाँ पे देखो मैं इसको रोड पे भी चला के बताने वाला हूँ, साथ में यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं इसके अंदर भी चला के बताऊंगा। देखते हैं चलती है या फिर ये टूट जाती है। यहाँ से टर्न करता हूँ, आराम से चल रही है, काफी आराम से रिवर्स भी चल रही है भाई ये तो। ओके आप देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, इसके अंदर लेके जाते हैं इसको। ओ भाई साहब ये देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, अपनी कार काफी आराम से इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में से भी चल रही है। ओ भाई ये देखो यहाँ तक चढ़ के आ चुकी है अपनी कार। ये कार को रिमोट से भी चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसके व्हील्स इतने ज्यादा बड़े कि आप इसको कहीं पे भी चला लो गाइस, हर जगह पर एकदम बढ़िया तरीके से ये चलती है। अब मैं ट्रैक्सस XRT को चलाने वाला हूँ, इसके अंदर हाई स्पीड गियर मैंने लगा दिया है, TSI को 100% पे रख दिया है ताकि ये एकदम स्टेबल तरीके से चल सके। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख रहा है, इसने अभी अभी फ्रंट फ्लिप किया यार, गियर डालने के बाद इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। यहाँ पे ये कार सिर्फ 2 व्हील्स पे ही चल रही है, मैं थोड़ा सा भी ट्रिगर दबा रहा हूँ तो देखो गाइस ये पूरा का पूरा व्हीली करती हुई जा रही है रोड के ऊपर, और देखो साइड के 2 व्हील्स पे भी ये चल रही है। इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं चलाने वाला हूँ ट्रैक्सस XMAX को, इसके अंदर भी मैंने गियर चेंज कर दिया है। ये कार पूरी की पूरी एक सांड जैसी मेरे को लगती है गाइस, इसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक आवाज आती है कि लोग इसको मुड़ मुड़ के देखने लगते। अब आर्मा फायर टीम को भी एक बार चला के बता देता हूँ, ये कार इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि पलक झपकते ही इधर से उधर पहुंच जाती है। इसका ब्रेक तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है, अभी मैं आपको ब्रेक लगा के बताता हूँ। ये देखो अभी हैंड ब्रेक लगाते ही कार रुकने के बाद भी 360 डिग्री घूमने लगती है, इतने खतरनाक ब्रेक है ये कार के अंदर। तो गाइस अब यहाँ पे एकदम खतरनाक वाली रेस होगी XRT वर्सेस फायर टीम के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। ट्रैक्सस XRT पहले ही व्हीली करके आगे जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर फायर टीम इससे भी ज्यादा स्पीड मेरे को लग रही है। फायर टीम काफी ज्यादा आगे निकल गई थी, पर अमेजिंग तरीके से यहाँ पे XRT ने इसको ओवरटेक कर लिया। फर्स्ट राउंड में ट्रैक्सस XRT जीत चुकी है और सेकंड राउंड में भी ट्रैक्सस XRT जीत चुकी है। गाइस मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रैक्सस XRT इतना ज्यादा फास्ट चल सकती है कि यार इसने तो फायर टीम को ही हरा के रख दिया रेस में। ओ माय गॉड मजा आ गया गाइस आज की रेस में। अब होगी एकदम भयानक वाली रेस, दोनों के अंदर ही मैंने गियर्स को चेंज कर दिया है। इसके अंदर हाई स्पीड वाला गियर लगा दिया है, इसके अंदर भी हाई स्पीड वाला गियर लगा दिया है। गाइस देखते हैं XRT जीतती है या फिर XMAX। 2, 3 दोनों ही कार गिली मार के यहाँ से निकल चुकी है। XRT काफी खतरनाक मेरे को लग रही है गाइस, XRT आगे निकल चुकी है फर्स्ट राउंड में। यहाँ पे पता नहीं यार XMAX थोड़ा सा क्रैश हो गई थी, देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीतता है। ओह माय गॉड सेकंड राउंड में भी ट्रैक्सस XRT आगे निकल चुकी है, मेरे को नहीं लगता था XRT के सामने XMAX टिक पाएगी रेस में। यहाँ पे बार बार ट्रैक्सस XRT जीत रही है रेस को, क्लियरली ट्रैक्सस XRT ने ट्रैक्सस XMAX को हरा दिया है।
तो गाइस अब आर्मा फायर टीम का एक खतरनाक टेस्ट मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे आर्मा फायर टीम को मैंने रस्सी से बांध दिया है थार के साथ, तो देखेंगे क्या ये आर्मा फायर टीम थार को खींच पाती है या नहीं। अब मैं थार के अंदर बैठने वाला हूँ। ये रिमोट देखो यहाँ पे फेंक दिया मैंने, देखते हैं गाइस ये मेरा वेट और थार का वेट लेके आगे चल पाएगी या फिर नहीं। रहा रिमोट आर्मा फायर टीम का। ओके, शुरुआत में मैं थोड़ा सा कम ट्रिगर इसके अंदर दे रहा था क्योंकि मिट्टी उड़ के सीधा मेरे ऊपर आ रही थी। फिर गाइस मैंने फुल ट्रिगर देना चालू किया है। यहाँ पे देखो इसके व्हील्स इतने ज्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं और इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि इसने थार को ही खींच लिया है मेरे साथ। ओ माय गॉड, क्या थार ना ज्यादा बवंडर मच चुका था यहाँ पे। ये देखो कितनी मिट्टी आगे गिरी है इसके ऊपर। ओ भाई साहब, यहाँ तक कि मेरे मुंह में भी मिट्टी जा चुकी है पूरी तरीके से। अब देखते हैं एक्समैक्स मेरे को खींच पाती है या नहीं। एक्समैक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, रस्सी बांध दी है। अब मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ गाइस फटाफट से। अब आएगा असली वाला मजा। ओ माय गॉड, एक्समैक्स तो फायर टीम से भी ज्यादा मिट्टी फेंक रही थी मेरे ऊपर। सामने की कोई भी चीज मेरे को प्रॉपर तरीके से नजर तक नहीं आ रही थी। यहाँ पे एक्समैक्स ने भी इतना ज्यादा वेट बहुत आराम से खींच लिया है। गाइस क्या ही खतरनाक चीज है यार एक्समैक्स की पावर। अब टेस्ट करते हैं ट्रैक्सेस XRT को, देखेंगे गाइस क्या ये कार भी ट्रैक्सेस एक्समैक्स और फायर टीम जितनी पावरफुल है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो ट्रैक्सेस XRT को मैंने रख दिया। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहले बार मैं XRT के साथ वेट फुल टेस्ट करने वाला हूँ। ओ इसकी परफॉर्मेंस देखकर सच में यार मैं हैरान रह गया। बहुत ज्यादा स्मूथली इतना ज्यादा वेट ये खींच रही है, मजा आ गया इस XRT को भी चला के यहाँ पे। गाइस देख लिया ना XRT की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है ये कार। सबसे ज्यादा दूर तक XRT ने खींचा है मेरे को। एक्समैक्स और फायर टीम को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मेरा वेट खींचने में, बाकी मेरे को XRT दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल लगी। अब कराते हैं ये दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस दोनों में से पुशबैक में कौन जीतता है। ये दोनों ही कार्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। आर्मा फायर टीम ने उठा ही लिया था एक्समैक्स को, पर एक्समैक्स इसके ऊपर से जंप मार के निकल चुकी है। अब कराते हैं टग ऑफ वॉर, अब पता चलेगा असली पावर कौन सी कार के अंदर है। क्लियरली आप देख सकते हो एक्समैक्स आर्मा फायर टीम को बहुत इजीली खींच के लेके जा रही है। यहाँ पे आर्मा फायर टीम अपना हैंड ब्रेक लगा के भी इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, पर एक्समैक्स ने इसको हरा दिया है। ये क्या हो गया गाइस? अरे भाई यहाँ पे देखो यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। एक्समैक्स का व्हील निकल गया है गाइस, यहाँ से ये टूटा नहीं है। यहाँ पे एक पिन होती है, वो पिन निकल चुकी है इनके जॉइंट के अंदर से। तो यार अभी पिन मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। देखो ये इस तरह से बैठ जाएगा इसके अंदर। ये देखो गाइस मिल चुका है, ये इसके अंदर लगाऊंगा तो ये वापस से फिक्स हो जाएगी। अब होगी मोस्ट खतरनाक फाइट XRT वर्सेस एक्समैक्स के बीच में। XRT भारी पड़ती हुई लग रही है एक्समैक्स के ऊपर और इसने इसको उठा दिया है और औंधे मुंह पटक दिया है। गाइस आप लोगों ने देख लिया ना भाई साहब, XRT ने उठा के फेंक दिया है एक्समैक्स को। मेरे को यहाँ पे लगा था कि टाई हो जाएगा दोनों के बीच में, पर एक्समैक्स हार गई है यहाँ पे। आते हैं पुशबैक बड़ी वाली थार की XRT के साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। XRT बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये भिड़ चुकी है थार के साथ। मेरे को लगा था कि थार इसको एक सेकंड में उठा के फेंक देगी, पर XRT ने छक्के छुड़ा के रख दिया है थार के ही। देखो इसको पीछे ढकेलने का चांस ही नहीं दे रही है यहाँ पे और उल्टा थार को ये गोल गोल घुमाई जा रही है। ओ माय गॉड गाइस, XRT ने देखो मेरी क्या हालत कर दी है यहाँ पे। यार ये इतनी ज्यादा खतरनाक कार है कि इसने थार को ही गोल घुमा के रख दिया है। मेरे को लगा था कि ये जो थार है इसको हरा देगी आराम से, पर भाई इसने इसको गोल गोल चक्कर कटा दिया है। यहाँ पे XRT ने प्रॉपर तरीके से दो दो सर्कल्स बना दिए हैं थार को गोल घुमाने के बाद। तो अब होगी इन दोनों के बीच में भयंकर वाला टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस इस बार दोनों में से कौन जीतता है। ये दोनों कार्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन दोनों के बीच में जो रस्सी मैंने बांध दी है कहीं टूट ना जाए। दोनों कार्स पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को खींचने में लगे हुए। यहाँ पे एक्समैक्स भारी पड़ती हुई लग रही है XRT के ऊपर। धीरे धीरे करके एक्समैक्स ने XRT को खींचना चालू कर दिया है। XRT भी पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर सैडली गाइस देख सकते हो एक्समैक्स पूरी पावर लगा चुकी है और XRT को धीरे धीरे करके मिट्टी में घसीटती हुई लेके जा रही है। दोनों के बीच में इतनी ज्यादा धूल मिट्टी उछल रही है, कुछ भी नजर तक नहीं आ रहा है। एक्समैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो क्लियरली यहाँ पे एक्समैक्स ने हरा दिया है XRT को। मेरे को लगा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर यहाँ पे एक्समैक्स इसके ऊपर भारी पड़ चुकी है। रीजन मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखो इसके अंदर लगे हैं ऑफ रोड इतने बड़े बड़े व्हील्स और इसके ऊपर ग्रिप भी काफी ज्यादा है और इसके व्हील्स थोड़े से पतले हैं और इसके ऊपर ग्रिप कम होने के कारण इसको यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, इसलिए एक्समैक्स ने इसको खींच लिया है अपनी तरफ। यहाँ पे मिट्टी देखो गाइस कितनी ज्यादा गिरी है इसके ऊपर। ओ भाई साहब,
अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं क्या XRT वापस से थार को हरा पाती है यानी। ओ भाई साहब यहाँ पे थार कुछ ज्यादा ही भारी भरकम है और ऊपर से इसके अंदर चार चार मोटर्स लगी है, इस वजह से देखो इसने XRT को धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। XRT पूरी ताकत लगा चुकी है इसको रोकने के लिए और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी भी फेंक रही है ताकि इसकी मोटर जैम हो सके, फिर भी यहाँ पे थार रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्लियरली आप देख सकते हो थार ने हरा दिया XRT को टग ऑफ वॉर में। ओके, अकेली XRT तो अपनी थार को नहीं हरा पा रही थी, अब XRT के सामने मैंने XMAX को भी बांध दिया है। अब देखते हैं ये दोनों टीम अप करके क्या थार को हरा पाते हैं या नहीं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो फाइट है एकदम हिस्टोरिक होने वाली है, यहाँ पे दोनों गार्ड फुल पावर लगा चुके हैं थार को रोकने के लिए। ओ माय गॉड, दोनों ने धीरे धीरे करके थार को खींचना चालू कर दिया है। मैंने यहाँ पे थार के अंदर ब्रेक्स भी लगा दिया है, फिर भी देखो गाइस दोनों का धीरे धीरे करके थार को अपनी तरफ खींच के लेके जा रही है। मेरे को नहीं लगा था कि गाइस दोनों मिलकर इसको हरा देंगे, पर यहाँ पे दोनों ने बहुत इजीली थार को हरा दिया है। ओ भाई साहब देखो यहाँ पे तूफान मचा दिया है XMAX ने और XRT ने। सच में गाइस ये दोनों कार इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। गाइस आप लोगों ने देख लिया ना, XRT और XMAX ने मिलकर इतनी बड़ी थार को भी हरा दिया है। मेरे को लगा था कि गाइस अपनी थार ही दोनों को हरा देगी, पर भाई ये दो कार सच में यार काफी ज्यादा पावरफुल है। हालत देखो गाइस, यहाँ पे इसके ऊपर इतनी ज्यादा मिट्टी गिरी है कि क्या ही बताऊं भाई। अब ये जो ऑफ रोडिंग मैं कराने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और इसके व्हील्स टूट के निकल भी सकते हैं। आराम से इसने तीन चार पत्थरों पे से तो चढ़ाई कर दी थी, पर यहाँ पे एक बड़ा पत्थर आने के कारण इसका पीछे का व्हील फंस गया है थर के अंदर और ये आगे नहीं मूव कर पा रही है और ना तो पीछे आ पा रही है। तो अब देखते हैं क्या XRT इतने बड़े बड़े पत्थरों में से चल पाएगी या फिर नहीं। आराम से XRT भी तीन चार पत्थरों पे से निकल चुकी थी, पर यहाँ पे जैसे ही बड़ा पत्थर आया है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण इसकी चैसिस पत्थर के ऊपर फंस गई है। अब ये भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब देखते हैं क्या XMAX इतने बड़े पत्थरों पे से चल पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, XMAX देखो इतना स्मूथली चल रही है इतने बड़े बड़े पत्थरों पे से भी, क्योंकि इसके व्हील्स काफी ज्यादा मोटे हैं और इसकी हाइट ज्यादा होने के कारण आराम से XMAX यहाँ पे जीत चुकी है। मेरी हालत देखो यार कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है और XRT की बैटरी भी खत्म हो चुकी है, XMAX की भी बैटरी खत्म हो चुकी है। वरना गाइस मैं मेरी रियल कार को भी XRT और XMAX के साथ आपको खींच के बताने वाला था। तो आने वाले दिनों में गाइस ये वाला एक्सपेरिमेंट भी मैं करने वाला हूँ, फुल बैटरीज लेके आके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ये XRT के साथ मुझे और कौन से कार के फाइट कराने चाहिए। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है शशांक, फैजान, गोपाल, फजल, कनिष्क, विनोद, प्रीतम, मनप्रीत, वीरेंद्र, शहजाद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।